हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइल ऑस्ट्रेलिया। तो आ गए हम एक और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के साथ। तो आप सब गाइस सेफ होंगे। तो आज हमारी फर्स्ट न्यूज़ है, लॉकडाउन हैज़ मोस्टली एंडेड बट द सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इज इम्पैक्टिंग ऑस्ट्रेलियन बिजनेसेस। जो ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस है वो ठप होते दिखाई दे रहे हैं। ये भाई साहब नाइट क्लब चला रहे थे सिडनी में 10 सालों से, अब मतलब एक ही प्लेस पर, और अब वो ठप होता दिखाई दे रहे हैं। इनके पास कोई भी स्टूडेंट्स या वर्कर्स नहीं है। तो आफ्टर दैट गाइस, सिडनी रिसेंट लॉकडाउन हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन हिज बिजनेसेस इंक्लूडिंग चाइना टाउन्स, द लैक ऑफ कस्टमर्स एंड अंडरस्टैंडिंग। ये अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं कस्टमर्स के साथ, जैसे कि मैनेजर वगैरह कुछ भी लगा लो आप। तो नाउ वी ओनली हैव 20 स्टाफ इन 3 वेन्यूज। उनके पास सिर्फ 3 वेन्यूज़ है और उनमें 20 स्टाफ है। तो इनको मीन्स गाइस, अब आप लगा सकते हो कि इनको स्टूडेंट्स की कितनी चाहत है। आफ्टर दैट गाइस, हमारे पास एक और न्यूज़ है जो कि दिस इज़ वाई द इंटरनेशनल एजुकेशन क्राइसिस विल लिंगर, जो भी यहाँ पर लिखा गया है। बिफोर द पेंडेमिक मिस्टर चोस वेन्यूज हायर्ड मैनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड अदर टेम्प्रेरी माइग्रेंट्स। मतलब सिडनी बस्ट होता जा रहा है, अब इनको बहुत सारे स्टूडेंट्स की इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरत है, उनके पास वर्कर वगैरह नहीं है। एंड आफ्टर दैट गाइस, हमारे पास कोर्ट मर्चेंट भाई साहब ने एक और ट्वीट किया है, ग्रेट न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया विद डिड 80% ऑल ऑस्ट्रेलियन, मतलब जो 16 साल के बच्चे थे वहाँ पे भी फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो वो थैंक यू कर रहे हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया को कि एवरीवन वगैरह जो भी है, थैंक यू भाई आपका, आपने सहायता किया ऑस्ट्रेलिया को वैक्सीनेटेड होने के लिए। आफ्टर दैट गाइस, हमारे पास स्काई न्यूज़ की तरफ से एक और न्यूज़ है जो कि क्वींसलैंड के प्रीमियर है जो ये औरत है, मतलब इन्होंने बोल रहा है कि फेडरल एग्रीकल्चर मिनिस्टर डेविड जो भी इनका नाम है एज लॉन्च दी क्वींसलैंड लैगिंग दी वैक्सीनेशन कवरेज। वो वैक्सीनेशन कवरेज कर रहे हैं, स्काई न्यूज़ को बोला है, मतलब उन्होंने एक न्यूज़ के खिलाफ न्यूज़ के तरह बोला है कि आप इसको आगे से आगे बढ़ाएं। आफ्टर दैट गाइस, हमारे पास स्काई न्यूज़ की तरफ से एक और न्यूज़ है जो कि क्वांटस बोल रहे हैं। क्वांटस बोल रहे हैं कि रिमूवल करें PCR टेस्टिंग को और फुली वैक्सीनेटेड ट्रेवलर्स को वेलकम करें, सभी ऑस्ट्रेलियंस को या PR होल्डर्स को जो भी है, मतलब जो रेजिडेंट्स हैं उनको। और ये मेलबर्न का हमारे पास डाटा आया है वैक्सीनेशन का, लेफ्ट साइड में हमारे पास वैक्सीनेटेड पीपल लिखे गए कितने हैं, और जो प्रोग्रेसिस में फुली वैक्सीनेटेड है फर्स्ट डोज से वो हमारे पास राइट साइड में है। तो आप इसे अच्छे से एक बार देख सकते हो गाइस। आफ्टर दैट गाइस, हमारे पास एक और स्टूडेंट्स की तरफ से एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ से एक न्यूज़ है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैव ड्रॉप्ड। जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है वो ड्रॉप कर रही है अभी एप्लीकेशन लेने से, पता नहीं क्यों, क्या चक्कर है इनका भाई अभी, पता नहीं अभी, मे बी होप फॉर द बेस्ट सब कुछ अच्छा होए। आफ्टर दैट हमारे पास एक और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ से मतलब एक न्यूज़ है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिटर्निंग टू ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ऑफन बिग फ्रेम्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनिवर्सिटीज डिजायर रेवेन्यू एज पब्लिक सेफ्टी। वो सब कुछ मतलब पब्लिक सेफ्टी भी करना चाहते हैं, स्टडी भी करना चाहते हैं, पता नहीं इनका क्या लफड़ा है। मे बी फेस टू फेस ये मार्च तक अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस वगैरह बंद करके फेस टू फेस क्लासेस लगा लें। और गाइस, साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कोलैबोरेशन है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिटर्न करने के लिए आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, फिनलैंड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड अदर साउथ ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन प्रोवाइडर है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं ट्रैवलर्स के लिए, क्वारंटीन के लिए एकोमोडेशन अरेंजमेंट कर रहे हैं रिटर्न इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉलोइंग ACC, जो मतलब जो भी है ये अब अरेंजमेंट जल्दी से जल्दी करेंगे क्योंकि न्यू साउथ वेल्स एंड मेलबर्न वगैरह इनसे आगे है। तो गाइस, हमारे पास एक और न्यूज़ है, ड्रॉप इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कुड हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। मतलब बहुत सारे दिन हो गए, 51% ये लॉस में है मार्च, मतलब जो 2019 में मार्च था उससे अब तक ये देख लो कि 51% ये बहुत लॉस में जा चुके हैं। अब इनको ऑस्ट्रेलिया को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड स्किल माइग्रेंट वगैरह जो भी हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, टूरिस्ट की, स्टूडेंट्स की, जो जो भी वहाँ पे बहुत सारी है।